हरियाणा के पलवल जिले में शुरू हुआ भारतीय भाषा अभियान आज देश के 26 राज्यों में सक्रिय रूप से जनता को हिंदी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश में काम कर रहा है, जिसके चलते लोगों को अपनी मातृभाषा में केस फाइल कराने की सुविधा मिल रही है। वहीं इस सुविधा से कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन अपनी मातृभाषा में चीजों को समझ सकते हैं, उनके लिए आज ये पहल अच्छी साबित हो रही है। वहीं यमुनानगर में पहला केस हिंदी में दायर होने के बाद इसी से प्रेरित होकर शिकायतकर्ता अब्दुल रहमान ने भी अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में हिंदी में दायर करवाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती है और ऐसे में उनकी अपनी मातृभाषा में केस फाइल होने से सभी बातों को वह अच्छी तरह से समझ पा रही हैं। इस पहल से जहां एक ओर लोगों को अपनी मातृभाषा में आसानी से न्याय मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर लोगों का भी न्याय के प्रति विश्वास अटूट होता दिख रहा है। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। पहले भी आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से काफी चर्चा में आए हैं क्योंकि हमने सबसे पहला केस 138 का जो क्रिमिनल केस है वो डाला था और आज उसी न्यूज को देखते हुए आपकी न्यूज को देखते हुए एक और क्लाइंट मेरे पास आया है जिन्होंने अपना हिंदी में केस दायर करवाया है मेरे से और वो कंज्यूमर कमीशन का केस है जो हम आज पहली बार उसको डालेंगे। देखिए, जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ी अड़चन जरूर आती है लेकिन आज हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लेने से मना कर दिया तो हमारे पास माननीय हाईकोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो हम उनको उनके समक्ष रखेंगे तो जिससे वो हमारे केस को मना नहीं करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में भारतीय भाषा अभियान और न्यायालयों में भारतीय भाषाएं स्थापित हों इस दृष्टि से हरियाणा प्रांत ने देश भर में सबसे पहला कदम उठाया कि अपने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके हिंदी को डिस्ट्रिक्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो एक नया मार्ग हरियाणा प्रांत की सरकार ने, हरियाणा प्रांत ने अपनाया जिसे सारे देश को अनुसरण उसका करना चाहिए ऐसा लगता है और बहुत बड़ा अधिकार दिया है जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना प्रारंभ हो। इस बहुत मुझे खुशी हुई कि जो मेरा केस जो यहाँ दाखिल हुआ है मेरी भाषा में दाखिल हुआ है क्योंकि इंग्लिश हम लोग यहाँ हमारी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है जो हम अपना केस समझ सकें। जो हमने दाखिल किया हमें कम से कम समझ तो आया कि हमने केस क्या दाखिल किया है क्योंकि इससे पहले हमें कठिनाई आ चुकी है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपना मोबाइल की न्याय लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे क्योंकि पहले मोबाइल में हमने एक सर्विस सेंटर के खिलाफ मेरे मोबाइल की शिकायत और सर्विस सेंटर के खिलाफ शिकायत करनी थी तो मैंने कंपनी में मेल डाली थी वो भी इंग्लिश में डाली थी और वो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी तो मैंने अपनी शिकायत को किसी के माध्यम से इंग्लिश में अनुवाद करके मेल डाली है मगर उसका जवाब नहीं आया तो मुझे आज मजबूर होके न्यायालय में आना पड़ा न्याय लेने के लिए।